हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम. दिस इज रे ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन का लेक्चर नंबर 4. तो बच्चों, आपको याद होगा लास्ट संडे को मैंने आपको कर्व्ड मिरर के कॉन्सेप्ट्स और मिरर फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट करवाए थे. और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि अच्छा, ऐसे भी पढ़ाई होती है. वेलकम एवरीवन टू जेई लाइव डेली. दिस इज़ एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी जेई चैनल, जहां पे मैं जयंत नागदा आपको अपनी क्लास 12th की फिजिक्स की पढ़ाई करवा रहा हूं. तो बच्चों, मैंने बीटेक किया आईआईटी बॉम्बे से, उसके बाद से करीब मैं जो 10 साल में पढ़ा रहा हूं, अलग अलग जगहों पे मैंने बच्चों को पढ़ा के अलग अलग आईआईटीज में एम्स में पहुंचाया है. सो वेलकम टू दिस चैनल जेई लाइव डेली. इस इनिशिएटिव का नाम है. और बच्चों, हमारे इस इनिशिएटिव में क्लोज टू 4 लाख स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं. ओके, तो अगर आप पहली बार आ रहे हो, एज आई सेड, अपने को क्या करना है, आज ही से रेगुलरली फॉलो करना है हमारा चैनल, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन एक और है उसको भी दबा देना. और बच्चों, आज के इस सेशन में मैं कुछ बात करूंगा किस तरह से आपका कर्व्ड मिरर में बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, कंपटीशन के लेवल के क्वेश्चंस, और एक छोटा सा कंसेप्ट इमेज वेलोसिटी का, जो हमने प्लेन मिरर के केस में भी किया था, लेकिन यहाँ पे भी बनता है वो कंसेप्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर दैट, आपको बता दूं कि अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म जो है, जहाँ पे आप इसी तरह के लाइव लेक्चर्स, ये भी लाइव चल रहा है, इसी तरह के लाइव इंटरेक्शन आप कर सकते हैं, एजुकेटर से पढ़ सकते हैं. उसके अलावा वहाँ पे डेली क्विजेस, टेस्ट सीरीज़ है ना, ये सारी चीज़ें, डाउट क्लियरिंग सेशन जिसमें आप अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के भेजेंगे और आपका एजुकेटर उसको सॉल्व कर देगा जल्दी से. ऐसी पूरी पैकेज आपको अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट. तो अगर आपको नहीं मालूम है वो चीज़, unacademy.com/plus पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो. एक साल का प्लान जो काफ़ी 12th के बच्चे और ड्रॉपर्स ने ले लिया है, वो जेई लाइव कोड के साथ, इस स्पेशल कोड के साथ आपको 1800 पर मंथ पे पड़ता है. तो 1800 पर मंथ यानी 60 रुपीज पर डे पे द एंटायर इंडिया इज है ना पढ़ रहा है और मचा रहा है, जेई की तैयारी कर रहा है बच्चों. और ये सब आपका पॉसिबल है क्योंकि वहां पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो इंडिविजुअल कोर्सेज और बैच कोर्सेज, हम लोग भी वहां पे इवनिंग में बैच कोर्सेज ले रहे हैं. तो आप चेकआउट कर सकते हैं वहां पे. देर आर क्लोज टू 50 टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री. सम आर टेकिंग क्लासेस फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, कोटा. तो इतने सारे एजुकेटर्स हैं वहां पे, आप किसी से भी कैसे भी पढ़ सकते हो. और ये सब आप संभव है मोबाइल पे भी. अनअकैडमी की एक लर्निंग ऐप है जो कि काफी फेमस एक ट्रेंडिंग ऐप है, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करो. उसके बाद आपको वहां पे प्लस सेक्शन में जाना है. ऐप में आप प्लस सेक्शन में जाएंगे तो इस तरह से लाइव एजुकेटर्स के लेक्चर देख पाएंगे. आप अपना टारगेट आईआईटी जेई है या नीट है या आपका फाउंडेशन, नाइन्थ और टेंथ के बच्चे भी वहां पे आके तैयारी कर पा रहे हैं, अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग कर पा रहे हैं. और जो लोग एंड्रॉइड ऐप से इसको डाउनलोड कर रहे हैं, उनको एक गेट सब्सक्रिप्शन के साथ साथ 7-day ट्रायल पीरियड भी ऑफर हो रहा है. तो बच्चों, ये एक नया रीसेंट लॉन्च है. 7-day ट्रायल इज समथिंग स्टूडेंट्स कैन ट्राई. 7 दिन के लिए ट्राई करो और वहां पे आप देखो कि किस तरह से क्लासेस हो रही, कैसे टेस्ट हो रही, क्विजेज हो रही. अगर आपको लगता है कि हाँ, ये बहुत ही अच्छी डील है, इनफैक्ट इससे सस्ता और इतनी क्वालिटी, ये एक तो 20 गुना सस्ता है जो प्रोवाइड कर रहा है ना, और वहां पे 20 टाइम्स बेटर, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट दैट यू कैन गेट इन ऑफलाइन पैटर्न, उससे भी 20 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव आपको मिलेगा. तो चेकआउट करो. एक साल का या 2 साल का, 11th के कुछ बच्चे 2 साल का ले चुके हैं. तो ये 2 साल वाला जो प्लान है, ये आपको जेई लाइव कोड के साथ और ज़्यादा अफोर्डेबल, 1500 पर मंथ पड़ता है, 50 रुपीज़ पर डे पड़ता है ये चीज़. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे. तो कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस पे आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि कर्व्ड मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर्स की बात हम कर रहे थे लास्ट क्लास में. अगर आपको याद हो, कॉनकेव मिरर का कंसेप्ट अपन ने कवर किया था. अगर आपकी मिरर की अंदर वाली सरफेस को पॉलिश कर दिया, रिफ्लेक्टिंग कर दिया, यानी कि ये केव नुमा स्ट्रक्चर बन गया, तो आपको इस तरह का एक मिरर मिलता है जिसमें मैग्नीफाइड इमेज बनती है. मैग्नीफाइड इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की और बड़ी दिख रही है वो, ऑफकोर्स. तो इस तरह का कुछ सेटअप है एक तो. और एक और सेटअप क्या है, जिसमें कॉन्वेक्स मिरर है. कॉन्वेक्स मिरर की आप बाहर वाली सरफेस को शाइनिंग कर देंगे, रिफ्लेक्टिंग कर देंगे. और वो हमारे कहां पे काम आता है, हमारे रियर व्यू मिरर्स में, गाड़ियों के साइड में है ना, बाइक के साइड में जो रियर व्यू मिरर है, वो क्या है, वो कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक छोटे से एरिया में दे पा रहा है, एक तरह से कंप्रेस्ड व्यू दे पा रहा है आपकी जो भी बैक में, गाड़ी की बैक में चल रहा है उस सब का. तो इनके यूजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनके किस तरह से एप्लीकेशन आपके कंपटीशन में आ जाती है, उसके लिए अपन ने ये कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे संडे के लेक्चर में. पोल क्या होता है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, यार ये सब तो आप क्लास टेंथ में भी पढ़ते थे, बट अगर वो लेक्चर मिस किया है तो आज है ना, जब ये पूरे 10 बजे तक लेक्चर चलेंगे उसके बाद रिवाइज कर सकते हो, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। और ये फोकस की एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, बट जो इस पे बेस्ड ब्रिलियंट क्वेश्चंस है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस फोकस की इस पर्टिकुलर डेफिनेशन पे बेस्ड बन के कॉम्पिटिशन में आए हुए हैं। कई बार बच्चों को लगता है फोकस इज आर बाई टू, बस ये रट लिया अपन ने, क्योंकि मिरर फॉर्मूले में वो एक रिजल्ट आता है, लेकिन दैट इज जस्ट अ वेरी स्पेसिफिक केस। आपको ये बात समझनी पड़ी कि मिरर फॉर्मूले के ही केस में एफ इज इक्वल टू आर बाई टू आता है, लेकिन लेंसेज के केस में कुछ और आ सकता है। तो बच्चों आप उसको ऐसे मत समझो, रैदर ऐसे समझो कि जो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल इंसिडेंट रेज है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, है ना। तो फोकस की ये डेफिनेशन आई होप सभी को मालूम है, और मालूम है बिल्कुल, ये तो आप क्लास टेंथ से पढ़ रहे हैं, बट वो आर बाई टू होती है ओनली फॉर मिरर्स के केसेस में ही, वो आर बाई टू होती है, इस बात का ख्याल रखें। फोकस एक जनरल टर्म है, लेंसेज में सब जगह यूज होती है। और यस बिल्कुल फोकल लेंथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कि ये पोल से एफ का डिस्टेंस, तो ये सारी बातें आपको मालूम है, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे। इनफैक्ट पहले ही लेक्चर से हमने कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी है, उनमें से ये एक है कि इमेज ट्रेस करने के लिए आपको कोई भी दो लाइट रेज लेनी है जो कि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होती हुई कोई भी दो लाइट रेज लीजिए जो आपकी रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना है, उसके बाद जहां इंटरसेक्ट कर रही है दैट पॉइंट इटसेल्फ इज द इमेज। तो इमेज बनाने के लिए, इमेज ट्रेस करने के लिए किस तरह से अपन ये 3 स्टेप्स हर बार फॉलो करते हैं, चाहे वो प्लेन मिरर था पहला लेक्चर, चाहे वो आपका कर्व्ड मिरर है, या फिर आगे जाके लेंसेज के केस में भी अपन यही एक तरीका, इनफैक्ट अपन ने ये चीज़ संडे के लेक्चर में करी भी थी कि कॉनकेव मिरर में अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजिशन के लिए कैसे दो कोई भी रेज लेके आप इमेज ट्रेस कर सकते हो। ये लास्ट केस में एक वर्चुअल बिहाइंड द मिरर इमेज बनती थी। कॉनकेव मिरर के केस में हमने, आपको याद होगा, लास्ट क्लास में इमेज ट्रेसिंग किया है इन रेज को यूज़ करके, और जो दो लाइट रेज आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें बहुत सारी आपको ऑप्शन है, जो दो लाइट रेज आप सेलेक्ट कर सकते हो उसमें एक तो आप ऑन द फोकस ले सकते हो जो कि पैरेलल हो जाएगी, या ऑन द सर्कम सेंटर जो कि आपकी रिफ्लेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, या फिर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विच पासिस थ्रू फोकस। तो ये पर्टिकुलर डायग्राम उस दिन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था, इनफैक्ट मैंने बोला था कि आपको जिस तरह से हमने कॉनकेव मिरर के लिए बनाया है, कॉनकेव मिरर के लिए जिस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट पोजिशन के लिए इमेज बनाया है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बनाना, ये कॉन्वेक्स मिरर वाला केस है। और अगर आपने वो चीज़ किया है तो लेट्स टेक अप द लेक्चर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन। कॉन्वेक्स मिरर के लिए बच्चों, इस सिचुएशन में ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, आपका किस तरफ सिल्वर्ड है तो उस तरफ सिल्वर्ड है, यहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं इसको, डाइवर्ज हो जाएंगी। बट इस सिचुएशन में इमेज कहाँ बनेगी, क्या रियल वर्चुअल बनेगी, क्या उसकी साइज होगी, ये आप मेरे को अभी कमेंट्स में लिख के बताओ। बच्चों मैं आपके रिस्पॉन्सेज देख पा रहा हूँ, सो हेलो संदीप एंड यस रवि और IITN, हाउ आर यू। चलिए जी, तो आपके रिस्पॉन्सेज अब मैं देख पा रहा हूँ, एंड क्या लगता है जो मैंने आपको बोला है यहाँ पे कि इमेज कहाँ बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, जब आपकी इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो इस सिचुएशन में आपको ड्रॉ करना है, आपको क्या ड्रॉ करना है कि ये जो पैरेलल लाइन है ये आपकी फोकस से पास हो नहीं पाएगी, लेकिन आपको दिस अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, दिस इज अपियरिंग टू कम फ्रॉम फोकस, ये एक वर्ड अपन ने यूज किया था लास्ट क्लास में। पैरेलल रेस के लिए या तो कॉनकेव मिरर में जैसे वो पास कर जाती थी फोकस से, बट इस केस में फोकस तो उस साइड में है। बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का है ना जी, फील आ रही है, ये पूरा एक स्फीयर का भाग है, तो स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, फोकस भी इसी तरफ है, तो आपका फोकस तक पहुँच नहीं पाएगी, उससे पहले ही रिफ्लेक्ट हो रही है। बट दीज लाइट रेज अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, और उस सिचुएशन में आपकी इमेज कहां बनी, यस फोकस पे बनी, आपकी इमेज क्या वर्चुअल बनी, बिहाइंड द मिरर बनी है, मतलब कि वर्चुअल बनी है, एंड हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, यानी हाईली डिमिनिश्ड बोल सकता हूं। ये एक आपको मैंने एक्सरसाइज लास्ट क्लास में बोली थी कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, अलग अलग केसेस आप बनाओ, इनफैक्ट इस केस में तो बहुत ही आसान था, कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ 2 केसेस बनते हैं रियल ऑब्जेक्ट के केस में, तो ये अगर आपको एक केस समझ में आ रहा है,
तो हिट द लाइक बटन। टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों हम जिस रफ्तार से उसके ऊपर, चलो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर, आपको जो इस चैनल पे टीम ऑफ एजुकेटर्स प्रोवाइड कर रही है क्वालिटी एजुकेशन, बच्चों लेट मी टेल यू बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है पर बहुत वर्थ होता है यार इस तरह से लाइव आके आपके लेक्चर्स ले पाना। IITians आपको डेली बेसिस पे गाइड कर रहे हैं और छोटी छोटी बात भी बता रहे जो एग्ज़ाम के पैटर्न में चेंज हुआ। इनफैक्ट पैटर्न में जो चेंज हुआ उसी तरह के क्वेश्चंस कल मैंने क्विज में करवाए थे, आपको समीर सर ने भी करवाए थे और आज के इस सेशन में भी उस टाइप के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो बने रहो, बस देखते रहो, रेगुलरली निरंतर आओगे यार आप मेन के एडवांस लेवल भी फोड़ जाओगे आराम से। तो मैं ये बोल रहा था कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ये बन रहा है तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि कैसे रे को ट्रेस कर रहे हैं हम, आपको रे कैसे ट्रेस करना है बच्चों। जो भी ऑब्जेक्ट है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में आप वहाँ से निकलती हुई एक रे पैरेलल लेंगे और एक रे आप सी पे, है ना, सी पे जो इंटरसेक्ट करने वाली रे है वो भी ले सकते हैं। सी वाली जो रे होगी वो यहाँ से यहाँ पे वापस से रीट्रेस हो जाएगी, ऐसे जा रही तो ऐसे आ जाएगी और इस सिचुएशन में यहाँ पे एक डिमिनिश्ड, है ना, डिमिनिश्ड इमेज बन रही, छोटी इमेज बन रही है, वर्चुअल बन रही है, राइट साइड में मिरर के बन रही है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड अपराइट भी बन रही है। ये भी बात ध्यान रखिए कि अपराइट इमेज, ये छोटू सी इमेज आपको दिख रही है वो बन रही है। तो ये अगर एक केस होता है कॉन्वेक्स मिरर का, है ना, तो एक और केस क्या हो जाएगा, एक और केस क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में, क्या आप बना सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पे लिया था, ये एक और केस है, केस नंबर टू पढ़ रहे हैं अपन, जब आपकी ऑब्जेक्ट आपके मिरर के सामने यहाँ पे है तो उस सिचुएशन में क्या आपकी इमेज बनेगी। तो आप लोग भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, छोटी सी चीज़ है बच्चों, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपको डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, तो उससे ना घबराओ, इनफैक्ट उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर लो, हो सकता है आपके क्लास 12th में भी इस तरह से इमेज ट्रेस करने का क्वेश्चन आ जाए। तो थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान रखते हुए यहाँ पे, इनफैक्ट अगर मैंने एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिया, लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या होने वाला है मुझे मालूम है, दिस इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस कमिंग फ्रॉम, है ना, इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, ऐसे बोलते हैं। और उस सिचुएशन में एक और लाइट रे मैं ऐसी भी ले सकता हूँ, ध्यान देना, अपन ने ये भी लिया था कि अगर आपकी लाइट रे इंसिडेंट ऑन द पोल है, इफ़ द लाइट रे इंसिडेंट ऑन द पोल है तो वो क्या करेगा, कैसे जाएगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए एज इट इज़ निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो डाइवर्ज हो रही हैं। तो डाइवर्जिंग के केस में आपकी हमेशा इमेज कैसे बनानी है, आपको इमेज कैसे बनानी है, आपको अपनी इमेज बनानी है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मेरा इमेज देखो ऐसे बन गया, क्या इमेज अपराइट है, समझ रहे हो, क्या इमेज अपराइट है, क्या वो वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है लेकिन डिमिनिश्ड बन रहा है, उसकी जो साइज है ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी हो सकती है क्या, ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी भी हो सकती है क्या, ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं कंसेप्चुअल, तो आप इनको ड्रॉ कर करके देखिए। इनफैक्ट थोड़ा सा दूर अगर मैं ले गया हूँ ऑब्जेक्ट को, थोड़ा सा दूर ले गया हूँ ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में क्या होगा देखना, बड़ा मजा आएगा। आप लोग इस चीज़ को बनाओ बच्चों, इस चीज़ को अगर आप बनाएंगे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको कुछ चीज़ें समझ में भी आएगी, एक अलग ही लेवल पे विजुलाइज होगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। और देखना विजुलाइज करना, करने की बहुत सारे तरीके अपने पास, तो हमारे साथ ये जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है, तो ये एक तो चीज़ हो गई, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। और अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं, देखो इस केस में आप थोड़ा सा, देखो मैं नहीं बोल रहा कि आप प्रोटेक्टर लेके बैठ जाए, ये अगर 23 डिग्री है तो यहाँ पे भी 23 ही बनाएंगे, बट एक अंदाज़ा लेके चलो, यू शुड हैव दैट आई, है ना, ऑफ परफेक्शन। तो अगर आप एक अंदाज़ा लेके चल रहे हैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को पीछे ले गया, ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम मिरर ले गया, देखो इमेज तो कहाँ बन रही है, बिहाइंड वर्चुअल, ये सब बातें आपको अब समझ में आ गई हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को पीछे लेके गया हूँ तो इमेज कैसे मूव कर रहा है, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट जब मिरर के पास था तो इमेज यहाँ पे था दिख रहा है आपको, और ऑब्जेक्ट को दूर ले गया तो क्या इमेज भी दूर हो गया, क्या इमेज भी दूर हो गया फ्रॉम द मिरर, पास में था, दूर था, पास में था, समझ में आ रहा है, दूर था। तो ये जो चीज़ें कुछ, है ना, जो मैं मतलब कब से बच्चों को विजुलाइज करवाना चाहता था कि आपका ऑब्जेक्ट अगर दूर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट अगर दूर मूव कर रहा है मिरर से, तो आपका इमेज भी कैसे मूव कर रहा है बच्चों, इमेज भी मिरर से दूर मूव करेगा। ये जब आप अपनी आंखों के सामने बना के देख लेते हो तो बस बात ही अलग होती है,
मज़ा आ रहा है कि नहीं। और अगर मज़ा आ रहा है तो और ज़्यादा मज़ा दिलाने के लिए ये वाली आप एक एनिमेशन देखिए। इसमें अगर आपकी ऑब्जेक्ट दूर गई तो आपकी इमेज भी दूर चली गई, बहुत दूर वाली से बहुत डिमिनिश बन गई, है ना। पास आ रही तो देखो इसकी साइज़ बढ़ती जा रही है, देख रहे हो आप। तो आपको क्या एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऑब्जेक्ट अगर दूर मूव करती तो इमेज भी दूर मूव करती है। इनफैक्ट आफ्टर अ वेरी वेरी ना बहुत सारे डिस्टेंस के बाद ये बहुत डिमिनिश्ड हो जाएगी, और जैसे जैसे पास आएगी इसकी इसकी साइज़ बढ़ती जाएगी और ये भी पास आएगी मिरर के। तो ये कंसेप्ट आपको अगर आपने देख लिया है यहाँ पे 30 सेकंड के अंदर, क्या कभी दिमाग से जा सकता है? समझ आ रही मेरी बात, है ना जी। तो प्यारों, अगर आपको समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो लाइक दबाओ और शेयर भी करना, इस क्वालिटी एजुकेशन को सब तक पहुँचाएं। वी डू नॉट वॉन्ट, देखो कुछ बच्चे ऐसे लिख रहे हैं कि हमारे इस चैनल की वजह से कंपटीशन बढ़ गया है। देखो कंपटीशन बढ़ गया है, पर आप क्या सोचोगे कि कुछ ऐसे एजुकेटर्स हैं इंडिया में, ऐसे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जिनको मालूम ही नहीं था कि इस तरह से पढ़ाना चाहिए। इनफैक्ट जेई के लिए, नीट के लिए कैसे पढ़ाते हैं बहुत कम लोगों को मालूम था, और अब इस चैनल के थ्रू सभी को मालूम है। दिस इज़ एन ओपन क्लासरूम, पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड देख रहा है अभी इस चीज़ को, और वो सब सीख पा रहे हैं। अच्छा, ऐसे पढ़ाई होती है, और वो अगर सीखते हैं तो अपने बच्चों को अपने गांव में किसी ने एक छोटा सा क्लास लगा दिया कि मैं जेई की तैयारी करवाऊंगा। तो बच्चों फाइनली हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सिर्फ राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, उसमें सबको एक फेयर चांस मिल रहा है। दिस चैनल इज़ प्रोवाइडिंग अ फेयर चांस टू एवरीबडी। डोंट यू थिंक एवरी वन डिजर्व्स अ फेयर चांस, है ना जी। इट्स ऑल अबाउट गिविंग अ फेयर चांस टू एवरीवन, नॉट जस्ट दोज हु कैन अफोर्ड 5 लाख 6 लाख दे के एक बहुत महंगे इंस्टीट्यूट में जाके आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं। आपको ये सारे कंसेप्ट वहाँ पे भी इस तरह से नहीं समझाए जाते, ये मैं वाउच कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस तरह से ऑफलाइन पैटर्न में पढ़ाया जाता है, बट यहाँ पे पढ़ने का मज़ा और पढ़ाने का मज़ा बहुत ही अलग है बच्चों। तो अगर आपको ये केसेस समझ में आ गए हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं जनरलाइज कर सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट मूव्स टूवर्ड्स मिरर, उस केस में इमेज ऑल्सो मूव्स टूवर्ड्स मिरर, ये चीज़ अपन जनरलाइज कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 अगर आपकी मूव कर रही है, कॉन्वेक्स मिरर के केस की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपकी इमेज भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना मिरर की तरफ मूव कर रही है। ये अपन ने देखा, ये चीज़ भी इनफैक्ट वी आर सीइंग कि ऐसे मूव कर रही तो ऐसे मूव कर रही, ये इनफैक्ट अभी काम आएगा वेलोसिटी में, इसलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा एम्फोसाइज कर रहा हूँ। ऑल्सो लुक एट द साइज़ की भी बात करें, अगर ऑब्जेक्ट की सारी साइजेस सेम है, आपकी इमेज की साइज़ बढ़ेगी मिरर की तरफ आते आते, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज की साइज बढ़ेगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो इसमें दो ही केसेस बनते, उसमें अपन ने 6 केसेस बनाए थे। कॉन्वेक्स मिरर के केस में बच्चों 2 केसेस क्या है, इन्फिनिटी पे अगर है ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, यानी कि वर्चुअल बनेगा, हाईली डिमिनिश छोटू सा बन रहा है और वर्चुअल है बिहाइंड द मिरर। और अपराइट, देखो हर केस में अपराइट है आपका इन्फिनिटी से पी के बीच में, है ना। तो यहाँ पे सी और एफ वाला केसेस नहीं है, इन्फिनिटी से पी के केस में कहाँ बन रहा है, बिटवीन पोल एंड एफ, है ना, बिहाइंड द मिरर डिमिनिश बन रहा है। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही तो बहुत ही बढ़िया, मैं आगे बढ़ूंगा इस क्वेश्चन पे। आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट, आपको मालूम ही है कि क्वेश्चंस के थ्रू अपन कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और नया फॉर्मेट भाई, नया फॉर्मेट T20 आ गया, तो T20 के हिसाब से खेलना चालू करेंगे, सिंपल सी बात है। तो चलिए आज से ही आगाज करते हैं इस तरह के नए फॉर्मेट का लेक्चर में। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर मैं आपके देख पा रहा हूँ, तो बहुत ही बढ़िया। और थ्रू दिस टेक्नोलॉजी मैं आप लोग को वो सारी चीज़ें जो लेवल पे पढ़ा पा रहा हूँ, है ना जी, जो मैं पढ़ाता था, लेकिन अब क्या है कि ये चीज़ एक्स्ट्रा है, तो चलो इसको यूज़ करते हैं बच्चों। ये आपके फ़ायदे में है क्योंकि आपको इस तरह से मेन और एडवांस एग्ज़ाम में स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, और अलग अलग फॉर्मेट, देखो फॉर्मेट से चिंता मत करो, हम लोग इनफैक्ट अगर आप क्विज में रेगुलरली आ रहे थे, क्या हमने मैट्रिक्स मैच नहीं ट्राई किया, क्या मल्टीपल करेक्ट आंसर्स नहीं ट्राई किया, क्या इंटीजर टाइप अपन क्विज में नहीं कर रहे थे? कर रहे थे ऑफकोर्स। इस चैनल पे आपको एडवांस लेवल के हर फॉर्मेट की प्रैक्टिस ऑलरेडी करवा दी जा चुकी है, बट अब मैंने सोचा कि लेक्चर के दौरान भी, जस्ट क्विज में ही नहीं, लेक्चर के दौरान भी अपन कुछ लेंगे। इनफैक्ट लास्ट वीक ही अगर आपको ध्यान हो, हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे जिनमें टेक्स्ट इनपुट आपको करना था। तो वेरी नाइस, यहाँ पे
काफ़ी आंसर्स एकदम मतलब भर भर के बहुत अच्छे, सभी को आंसर करना है, देखो ये बात, सभी को आंसर करना है और ज़्यादातर सभी ने मतलब 95% बच्चों ने तो डी बोला ही है कि कौन सा गलत है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा गलत है भाई इसमें, तो गलत कौन सा है, इमेज लाइज बिटवीन, अभी देखा इमेज लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज डिमिनिश्ड है और इरेक्ट है मतलब अपराइट है, तो यस बिल्कुल रियल इमेज नहीं बन रहा है, ये अगर आपको क्लियर हो गया। एक और चीज़ जो लास्ट क्लास में अपन ने कवर की थी, इसका प्रूफ, बाय द वे मिरर फार्मूले को मैं प्रूफ कर रहा था लास्ट क्लास में, बच्चे पूछ रहे थे ये प्रूफ क्यों हो रहा है, बेटा प्रूफ अगर इसको नहीं करोगे डेप्थ में कैसे समझोगे कि क्या चला है। एक तो 12वीं के बोर्ड में कई बार इसी का प्रूफ आ गया है, आ चुका है बड़े नंबर के क्वेश्चन में, तो वहाँ पर छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कि ये फार्मूला आप कब लगा सकते हो, जब आपका पैराक्सियल रेज है, जब आपकी एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट जिससे आपने इमेज बनाया है, ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बना रहे हैं हम, यहाँ पे अगर आप लास्ट क्लास में आए थे और नहीं आए तो बच्चों आ जाओ अब से रेगुलरली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद हो हम लास्ट क्लास में ये ए पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल के क्या इस तरह से इमेज ट्रेस कर रहे थे, तो एक रे आपकी ऐसी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे अपन ने थीटा लिया था इसको, ये एंगल अल्फा लिया था, ये बीटा लिया था, याद आ रहा है, ये गामा लिया था, तो अपन ने क्या बोला था, अल्फा बीटा गामा आर टेंडिंग टू जीरो, ये तो मैथमेटिकल मतलब ये एकदम नीरस्त सा तरीका है कि हाँ मैथमेटिकल जो बच्चे हैं, एक मैथमेटिकल इंक्लाइन रखते हैं जो बच्चे, हाँ अल्फा बीटा गामा अगर छोटे हैं, है ना, इसी चीज़ को कैसे अपन और बोल सकते हैं, अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर ये वाला डायमीटर, अपर्चर क्या था भाई, साइज ऑफ द मिरर, या डायमीटर अगर छोटा है तो नेचुरली ये जो एंगल बनाएगा ये बहुत ही छोटा होगा, समझ आ रही मेरी बात, ये अगर छोटा है और ये बहुत दूर है, ये अभी भी मैंने पास बनाया, तो ये जो एंगल आएगा ये तो बहुत छोटा आएगा, तो या तो ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो या फिर ऐसे बोलो कि पैराक्सियल रेज यूज हो रही हैं, पैराक्सियल रेज से हमने इमेज को ट्रेस किया है, तो पैराक्सियल रेज हो यानी कि दोज रेज विच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पास से गुजरती हुई ऐसी रेज से अगर आपने बनाया है, तो इन कंडीशंस के साथ हमने ये चीज़ प्रूव की थी संडे को, अगर नहीं देखा तो देख लेना कोई दिक्कत नहीं है, पर आज इसकी प्रैक्टिस करनी है, आज अपने को इसमें घुस घुस के प्रैक्टिस करना है कि कैसे यू वी और एफ, यू क्या था ऑब्जेक्ट पोजिशन ऑफ द इमेज, पी आई पोजिशन ऑफ द इमेज, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फोकल लेंथ, तो ये तीनों चीज़ों में कौन क्या है प्लीज़ ध्यान रखें, वी को कई बार बच्चे वेलोसिटी समझ लेते हैं, तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अपन आगे बढ़ें। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है बट इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको एक बार और देखना बनता ही है, आपको एक साइन कन्वेंशन मैंने बताया था, ये जो साइन कन्वेंशन के 5 पॉइंट्स हैं ये प्रॉबेबली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरे ऑप्टिक्स में, पूरे ऑप्टिक्स में आपको चाहे मिरर हो, लेंस हो, कुछ भी हो, रिफ्रैक्शन हो रही है प्लेन पे, कर्व्ड सरफेस पे, कल से अपन रिफ्रैक्शन चालू कर रहे हैं बाय द वे, तो आज रिफ्लेक्शन वाला पार्ट अपना खत्म हो जाएगा, थोड़ी मैं प्रैक्टिस और आपकी ये करवा देता हूँ, सॉलिडिफाई कंसोलिडेट करवा देता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइन कन्वेंशन की जो 5 पॉइंट्स अपन ने लास्ट क्लास में पढ़े, प्रैक्टिस भी की थी थोड़ी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे चैप्टर में, अगर यही गलत हो गई तो बच्चा कुछ नहीं कर सकता, सिंपल बोर्ड लेवल का सवाल भी नहीं बना सकता, तो ध्यान से एक बार फिर से देखो कि हम सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर कर रहे थे, हाँ जी पोल इज़ लाइक एन ओरिजिन, पोल से मेजर कर रहे थे, लेकिन एक्स एक्सिस हमेशा राइट में नहीं होगी आपकी, पॉजिटिव डायरेक्शन हमेशा राइट में नहीं होगी बच्चों, इनफैक्ट डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सा लेना है, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे को पॉजिटिव लेना है, ठीक है जी, और डायरेक्शन उसके ऑपोजिट नेगेटिव हो जाएगा, ये एक बात। दूसरी बात कि आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट पॉजिटिव है, नीचे हाइट नेगेटिव है, ये 5 पॉइंट्स अगर आप क्वेश्चन के थ्रू समझोगे ज़्यादा बेटर रहेगा बेटा, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्मेट में मैंने पूछा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, तो अभी पता चल जाएगा होमवर्क कितना किया है, हाँ जी हाँ आएंगे स्नेल्स लॉ पे, स्पेस शो स्नेल्स लॉ आएंगे, बिल्कुल सब करेंगे, आप लोग इनफैक्ट सारे लेक्चर्स फॉलो करिए, क्योंकि क्या होगा कई बार ऐसा कमेंट में हम देखते सर ये नहीं कराया, सर चोक कॉइल नहीं कराया, अरे बेटा कराया है, आप देखो सारे लेक्चर्स को थ्रू बहुत ध्यान से फॉलो करें, इनफैक्ट यहाँ का एक एक मिनट,
यहाँ पे आप एक मिनट जो पढ़ रहे हो उस एक मिनट में इतना सब कुछ हो जाता है कि आपको वो एक मिनट भी नहीं छोड़ना है, ठीक है जी। तो आपके आंसर किस तरह आने चाहिए, जिस तरह से आप मेन में भी अब कंप्यूटर में आंसर लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स में, आंसर डॉट 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 है ना, टिक नहीं करना है आपको, ABCD नहीं दबाना है आपको, टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट करना है। और गलत इनपुट कर दिया तो भाई गलत है ना, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं, अच्छी बात ये है। तो पूरे लेक्चर में भी ये करो, जो मैं आपको क्विज करवाता हूँ उसमें बोलता हूँ मैं आपको प्लस फोर करते रहो या ज़ीरो है ना, इस न्यूमेरिकल वैल्यू में ज़ीरो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है आपके फेवर में। बच्चों नया फॉर्मेट तो और मज़ेदार है। और इसके आंसर क्या आ रहे बोलो, ठीक है, क्या सभी का 30 आ गया है, ठीक है। इनफैक्ट बच्चों आपको एक बात बता दूं, आपको आंसर करते वक्त प्लस माइनस नहीं लिखना है, आपका ऑफकोर्स क्वेश्चन बनाते वक्त देखो लैंग्वेज में भी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ऐसे लिखा है, बट हमें मालूम है, हमें मालूम है कि कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए आपका जो फोकस होता है वो किस तरफ होता है, पोल इधर है, फोकस इधर है और आपका सर्कम सेंटर इधर है, ठीक है जी। तो आपको पता है कि यहाँ से अगर इंसिडेंट रेज आ रही है, ऑब्जेक्ट आपकी किधर पड़ी है, कहीं तो पड़ी है 15 सेंटीमीटर पे है, इनफैक्ट 15 पे है तो आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगी, हाँ जी। और अगर आप देख पा रहे हो कि इंसिडेंट रेज तो ऐसे होगी, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो ऑब्जेक्ट की पोजिशन, ऑब्जेक्ट की पोजिशन आप क्या लोगे, ऑब्जेक्ट की पोजिशन आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। सिंपल सा सवाल, बट नए बच्चों को बता दूं, बच्चों पी से ओ आपका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इंसिडेंट रेज ऐसी है, तो पी से ओ आपका नेगेटिव मतलब कि -30 आपको, -15 आपको अपने हाथों से लिखना पड़ेगा और आपको एफ भी -10 लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में नहीं देंगे कि आपको नेगेटिव लेना है, ये तो आपको साइन कन्वेंशन है। तो आपने पी से एफ डिस्टेंस को एंड पी से ओ डिस्टेंस को नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि इसके ऑपोजिट में है, समझ आ रहा है। और ये वैल्यूज़ को आपको कहाँ रखना है, इसमें रखेंगे, आंसर आएगा -30, लेकिन -30 आंसर नहीं करना, अपने को क्या आंसर करना है, अपने को 30 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द मिरर। और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछी हो तो आप लिख सकते हैं कि मिरर की उसी तरफ जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, या फिर है ना इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो 30 सेंटीमीटर सभी का आ गया, आसान सा सवाल। एक और सवाल मैं पूछ रहा हूँ MCQ टाइप फॉर्मेट में ही, MCQ टाइप फॉर्मेट क्या है बच्चों, MCQ टाइप फॉर्मेट है आपका ABCD में से एक ऑप्शन सही है ना। तो यहाँ पे हर एक सवाल MCQ टाइप में +4 -1 आपको पता है, आप इनफैक्ट अपने साइड में लिखते जाएं, जितने भी क्वेश्चन लेक्चर में आएंगे +4 -1 अपने हिसाब से आप अपने आप को देते जाएं और लास्ट में कमेंट में लिख देना कि कितने मार्क्स आपने स्कोर किए आउट ऑफ व्हाट। इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा, जब आप दूसरों के मार्क्स देखोगे, जब आप देखोगे कि कोई बच्चा दिल्ली का इतना स्कोर कर पा रहा है, कोई बच्चा तमिलनाडु का इतना स्कोर कर पा रहा है, कोई गोवा वाला बच्चा और कोई राजस्थान वाला बच्चा इतना, तो लगता है एक रियल आपका कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे इंडिया लेवल पे। एंड नया क्वेश्चन के आंसर भी आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके की लैंग्वेज में प्लस माइनस नहीं लिखा होगा, आपको लैंग्वेज में लिखे होंगे ये चीज़ें। तो क्या लगता है इसका आंसर क्या है, ये भी एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि सभी ने, भाई क्या बात है, सभी लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, इनफैक्ट आग लगा दी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में, और इसी आग को लाइक्स में और शेयर में कन्वर्ट करना। ओके जी, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर ऐसा लिखा होगा, नीरस लैंग्वेज लिखी होगी। आपको रियलाइज करना है कि हाँ यार यू तो -30 लेना है और एफ क्या लेना है, एफ क्या लेना है बच्चों, +30, क्यों, कॉन्वेक्स मिरर है। नहीं समझ में आती ये चीज़ें तो अपने को क्या करना है, अपने को फोटो बनाना है, डायग्राम बनाना है, यार कॉन्वेक्स मिरर तो ऐसा होता था, यस डाइवर्जिंग मिरर, और उस केस में अगर पोल यहाँ है और ऑब्जेक्ट यहाँ है और फोकस कहाँ होता है, फोकस यहाँ होता है। तो ये कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं कि ऑब्जेक्ट से निकलती रेखाएँ आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन राइट में बना रही है, तो पी ओ यानी कि यू आपका नेगेटिव हुआ एंड पी एफ
आपका पॉजिटिव हुआ, ऐसी चीजें आप रख के देखो। वी का वैल्यू यस प्लस 15 आता है, प्लस 15 माने कि बिहाइंड द मिरर एंड ऑपोजिट साइड टू द ऑब्जेक्ट, ऐसा भी लिखा हो सकता है, पर लैंग्वेज आई होप सबको समझ में आ रही। काफी सिंपल सवाल, इनको धीरे धीरे अपन लेवल पे ले जाएंगे। तो इंटरेक्ट करते रहो, कॉमेंट्स में लिखते रहो, अनदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, अपने आप को मार्क्स भी देते रहो। मजा आ रहा है? आपकी जैसी मेन और एडवांस में स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगी, वैसा ही चल रहा है, बहुत ही सही। सभी ने डी लिखा है, वेरी गुड। अंकिता, वैष्णो, हाउ आर यू, एंड हेलो दीपक, हेलो शिंटू, कुछ नए बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे, बाकी काफ़ी अपने रेगुलर वाले तो है ही हैं, बहुत ही सही। हेलो सैम, ओके जी। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारी चीज़ें। सौरव बोल रहा है भूख लगी है, बेटा भूख लगी खाता रहे साइड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी बच्चे देखो, आप घर बैठे पढ़ो, प्लस प्लेटफॉर्म पे भी हमारी जो क्लास होती है, बच्चे साथ में कुछ खाते रहें, ये मैं प्रेफर करता हूँ, मैं तो प्रेफर करता हूँ बच्चों। इनफैक्ट जब सामने मेरे बैठे होते थे ऑफलाइन में, तब भी मैं बोलता था हेल्थ के लिए ऐसा होता है यार, आप साथ साथ में पानी मैं पीता रहता हूँ, आपको पता है मैं रेगुलरली पानी पीता हूँ, दिस इज़ वेरी क्रूशियल फॉर हेल्थ। और आप साथ में खा भी लें अगर थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि पूरा बिरयानी दबा रहे हैं। थोड़ा बहुत आप खाते रहें, दिमाग चलता है ना जी, सफ़र क्यों करना है। और घर बैठे घर की ही चार दीवारी में कंफर्टेबल होके पजामे में बैठो, बट पढ़ाई पूरी करनी, पढ़ाई 100%, कंफर्ट भी 100%, और बस देखते हैं इस बार क्या होता है। जेई की एग्ज़ाम में आप लोग का कैसा आता है, जो रेगुलर बच्चे आ रहे हैं यार वो फोड़ देंगे, मुझे पता है। हाँ डेली में अंकिता बेटा, डेली में अपना 7 to 10 PM, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे ट्वेल्थ के लेक्चर होते हैं 7 to 10 PM PCM, है ना। और आपके मंडे ट्यूसडे वेंसडे 11th क्लास के लेक्चर होते हैं इस चैनल पे, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें कवर करते हुए अपन इस चैनल पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कंसेप्ट भी कर रहे हैं, और समय भी कम लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन को लिखने में मेरे को समय आपका जाया नहीं करना पड़ रहा है। आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस क्वेश्चन डाउन, और अब मैं आपको बस डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, तो ए बी सी डी में से क्या आ रहा है भाई? बी आ रहा है सभी का, सभी का बी आ रहा है, सभी का बी आ रहा है। आई एग्री विथ यू। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस केस में भी कॉन्वेक्स मिरर है, तो फोकल लेंथ आप प्लस 10 लेंगे, एंड इमेज ऑब्जेक्ट की पोजिशन माइनस 20, और उससे आई थिंक सभी का आंसर है ना माइनस, तो आपका प्लस आ जाएगा। हाँ, तो बी इज़ द राइट आंसर, प्लस 20/3 आया होगा V का वैल्यू, लेकिन आपको वही है कि सेम या ऑपोजिट साइड ये डायग्राम से, तो आई थिंक ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में बच्चों, मैग्नीफिकेशन हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, मैग्नीफिकेशन की फार्मूला भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बार और देखो आप। ए बी आपकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट है आपकी, बी पॉइंट को लेके अपन इमेज ट्रेस करने वाले कैसे करेंगे, एक पैरेलल लाइट रे आपकी कॉनकेव मिरर को स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास होती है, ब्लू वाली देख रहे हो, और उसी तरह से अगर एक लाइट रे पोल पे इंसिडेंट है तो वो सेम एंगल बनाती हुई, दीज टू एंगल्स आर सेम, अगर मैं ऐसे बोल दूँ तो कोई नाराज तो नहीं होगा। तो बी पी आपकी इस तरह से निकल गई यहाँ पे, सेम एंगल आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से बनाती हुई, तो इस सिचुएशन में ये जो पॉइंट है आपका बी डैश बोल देते हैं इसको, बी का इमेज हुआ, बी का इमेज बी डैश इस तरह से बना, और मुझे मालूम है कि ए का इमेज तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा, है ना, ऑब्वियस है, नहीं तो बनाओ, लास्ट क्लास में कैसे बनाया था संडे को, ए का इमेज आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा, और ए डैश उसको बोल देते हैं अगर अपन। तो इस सिचुएशन में इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी क्या है, तो ए डैश डिवाइडेड बाय ए बी यानी कि ये परपेंडिकुलर्स का रेशियो क्या है, कौन से परपेंडिकुलर, ये ट्राइंगल देखो बच्चों, आपका एक ए पी बी ट्राइंगल है और एक ए डैश पी बी डैश ट्राइंगल है, क्या ये सिमिलर है, क्या ये सिमिलर है? तो मैं अगर सिमिलैरिटी यूज करूँगा बिटवीन द ट्राइंगल्स ए बी पी इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश पी, तो अगर मैं ये सिमिलैरिटी यूज़ कर रहा हूँ तो क्या बोल सकता हूँ, दिस रेशियो इज इक्वल टू, कॉमेंट में आप लिखते रहिए, ठीक है, मैं देखूँगा। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, मैं लिख दूँ डायरेक्टली ए डैश पी डिवाइडेड बाय ए पी, ये मैंने लिख दिया। अगर
अब अगर ये मैंने लिख दिया आपको, तो क्या इन चीज़ों को मैं लिख सकता हूँ फाइनली अपने साइन कन्वेंशन को यूज़ करके? बच्चों याद करो, मिरर फॉर्मूले में भी साइन कन्वेंशन अपन यूज़ करते हैं, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले के लिए भी साइन कन्वेंशन। ए डैश बी डैश को मैंने माइनस एच आई ले लिया, ए डैश बी डैश को मैंने माइनस हाइट ऑफ इमेज ले लिया, कोई दिक्कत? ए बी को मैंने प्लस एच ओ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ले लिया, और वो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूँ। तो ए डैश पी आपका ए डैश पी इमेज का डिस्टेंस है। ए डैश पी क्या है? ए डैश क्या था? इमेज। तो इमेज का डिस्टेंस आपका नेगेटिव है इस केस में, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी अगर आप देख पा रहे हैं, इंसिडेंट रेज ऐसे थी तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी आपका नेगेटिव है। तो माइनस यू, ये आपका एक फॉर्मूला यहाँ से आता था माइनस माइनस, लेकिन यहाँ से आपका हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको इन जनरल मैग्नीफिकेशन एम बोलते हैं अपन, तो पूरे ऑप्टिक्स में एम का है ना हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जनरल फार्मूला है, लेकिन इस केस में मिरर्स के केस में ये आता है माइनस वी बाई यू। ये अपन ने लास्ट क्लास में आई थिंक एक बार डिस्कस किया था, तो एक बार मैंने फिर से डिस्कस कर लिया, आपको समझ में आ रहा है। इस तरह से छोटा मोटा डेरिवेशन वाला पार्ट, ये प्लस माइनस क्यों है, साइन कन्वेंशन की वो पांच बातें आपके दिमाग में, यार साइन कन्वेंशन एकदम ही क्लियर होना चाहिए वरना मज़ा नहीं आएगा। और अगर ये माइनस वी बाई यू फार्मूला याद है आपको, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है जी। ओके, ऑल राइट, थैंक यू भाविया, वैभव कैसे हो, राजन वेरी गुड, ठीक है। वैष्णो तूने दोनों चीज़ें लिख ली है, बहुत ही बढ़िया। तो वैष्णो को पता है कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, उसने पहले ही कमेंट्स में आंसर लिख दिया, वेरी प्रिडिक्टेबल, बिकॉज वो डेली आके इन लेक्चर्स को देख रहे हैं, ठीक है जी। तो देखो इतना सही है, ज़्यादा कोई हवा नहीं बनाना, जेई का आपको जो बच्चा निरंतर आता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, इतनी सी बात होती है। आपको पता है क्या, आपको ये बात पता अगर नहीं है, पता होगी यार कहीं ना कहीं, तो जो रोज़ आ रहा है, जो 99% टाइम्स आ रहा है, चलो 100 क्लासों में से हमने जो अभी 4 महीने क्लासेस लिए, 100 क्लासों में से सपोज़ 99 क्लासेस वो आया बच्चा, एक क्लास नहीं आ पाया, तो उसके 99% चांसेस हैं सेलेक्ट होने के लिए। इस तरह से अगर आप क्लासेस मिस कर रहे हो, जितनी मिस करोगे बच्चे उतनी प्रैक्टिस भी कम करोगे, उतने कंसेप्ट कम क्लियर होंगे, और आप रेस में पिछड़ जाओगे। ये सिंपल सी बात होती है, बिकॉज सी दिस इज़ एन ओपन प्लेटफॉर्म, बच्चे कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, हम है ना हम नहीं कह रहे कि देखो आके, आप अपनी मर्जी से आ रहे हो, देख रहे हो, प्यार बरसा रहे हो। कल तो यार क्या टीचर्स डे पे आप लोगों ने हमको इमोशनल कर दिया, तो सी आंसर लिख रहे हैं काफ़ी बच्चे इसका। आई होप सभी को ये समझ में आ रहा है कि कैसे माइनस वी बाई यू में अगर आप 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f इससे निकाल सकते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग एक तरीका मैं बताता हूँ, 1/v प्लस 1/u इसमें अगर आप इस पूरी चीज़ को वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या एक काम करते हैं यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरी चीज़ को अगर आप यू से मल्टीप्लाई करते हो तो अपने को क्या मिलता है, अगर मैंने u से मल्टीप्लाई तो u डिवाइडेड बाय v प्लस 1 इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय f, और आपका u बाय v का वैल्यू आई थिंक इसको उधर ले जाओगे तो u माइनस f बाय f आ जाएगा, और इसी तरह आप इसको रेसिप्रोकल उल्टा कर दिया और माइनस लगा दिया, इसको उल्टा पकड़ लिया और माइनस लगा दिया इसको एक, तो क्या बन जाएगा, f डिवाइडेड बाय f माइनस u, विच इज़ अनदर फॉर्म ऑफ मैग्नीफिकेशन का फॉर्म है ये, जो आपको याद रखना है यार, ये f डिवाइडेड बाय f माइनस u कैसे डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस में यूज़ हो जाता है, इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक और इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इंटीजर टाइप में बच्चों आधे डाल दो प्लस 4 एंड 0, अच्छा 0 है मतलब कि अटैम्प्ट तो करना ही है ना, 0 है तो भाई वॉट इज़ देयर टू लूज़, खोने को कुछ भी नहीं है, तो अटेम्प्ट तो करना ही है आपको। चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, और बहुत ही सही, वेरी गुड शिवम, वेरी गुड वैष्णव, वी लव यू ऑल, रंजन आपको भी हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार और मेहनत है ना, मेहनत का मार्गदर्शन हम दे रहे हैं, मेहनत करते रहो बेटा, होता रहेगा जो जीवन में होना है। देखो अपन तो सीख रहे हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, हमको सीखने में मज़ा आता है, तो हम अपने आप को चैलेंज करें डेली बेसिस पे और चीज़ें सीख रहे हैं, ये हमारा काम है, भगवान ने हमको इसलिए बनाया है। थैंक यू राम प्रकाश, हाउ आर यू। चलिए इसका आंसर लिख दीजिए जल्दी से, आपको एक इंटीजर टाइप आंसर देना है, और बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है यार, एक बार जब सामने आंसर होता है ना यार ए बी सी डी, तो एक दिल में तसल्ली रहती है इनमें से ही एक है ना, आपका अब इंटीजर टाइप कुछ भी हो सकता है, तो
क्या करना है बच्चों, उस फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर लेनी है। सिंपल सी बात है, अगर अपना स्क्वायर कट खराब है, तो क्या करेगा सचिन तेंदुलकर? क्या एक ऐसा सो जाएगा कि यार मैं तो सचिन तेंदुलकर हूँ, मैं तो गॉड हूँ, मैं तो बस सो जाऊँगा, अगले दिन अपने आप सुधर जाएगा स्क्वायर कट? नहीं, वो बच्चों 1,00,000 बार प्रैक्टिस करेगा कैसे स्क्वायर कट मारना है, कैसे स्ट्रेट ड्राइव मारना है। अगर वो 1,00,000 बार प्रैक्टिस करेगा तभी वो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर बनेगा। तो आप भी गॉड बनने के लिए प्रैक्टिस करती रहिए निरंतर, ऐसा ओवरनाइट मैजिक नहीं होता है। और जो बच्चा सेलेक्ट होता है वो प्रैक्टिस से होता है, ये फैक्ट है। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट रख दिया आपने 20 पे, तो यू माइनस 20 है, फ्रंट ऑफ इट है, इमेज फॉर्म्ड इन्वर्टेड एंड डबल द साइज। ये चीज़ मैंने हिंट के तौर पे लिखी है आपको बच्चों, ये चीज़ कई बार नहीं दी जाती है, m इक्वल टू माइनस 2 दिया ही नहीं जाता है आपको, सिर्फ लैंग्वेज में इन्वर्टेड है एंड डबल द साइज है, मतलब कि नेगेटिव आपका मैग्निफिकेशन है, ये आपको समझना पड़ता है, इन्वर्टेड का नेगेटिव और डबल द साइज का 2। अगर ये पता है तो रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू फोकल लेंथ, रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू फोकल लेंथ निकालना है। अगर ये निकालना है और ये अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को मालूम है कि मैं मिरर फार्मूला कभी भी लगा सकता हूँ। मिरर फार्मूला में 1/v + 1/u = 1/f कभी भी लगा सकता हूँ। वी बाय एफ के लिए इसको वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बोलते हो, वी बाय है ना, वी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वी बाय एफ निकालना है आपको। तो देखो इंटरेस्टिंग टेक, m इक्वल टू माइनस 2 माइनस वी बाई यू आपको m दे रखा है, ठीक है जी, यहाँ पे v बाय एफ पूछा है और आपका 1 प्लस वी बाई यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, v बाई यू को क्या लिख सकता हूँ, माइनस माइनस कैंसिल, v बाई यू को मैं 2 लिख सकता हूँ, तो v बाय एफ की वैल्यू 1 + 2 हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी, यानी कि इंटीजर आपका आंसर आ गया, सांस में सांस आ गई, हाँ भाई इंटीजर तो आंसर आ गया। और एक बार 10 सेकंड के लिए चेक भी कर लिया करो कि आपने कहीं कोई प्लस माइनस की मिस्टेक तो नहीं बनी, सिली मिस्टेक तो नहीं करी बच्चों। जितना भी लंबा क्वेश्चन हो 10 सेकंड से ज़्यादा चेक करने में नहीं लगते हैं, यही मैं करता था बच्चों। स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको इस चैनल पर ये सारी एडवाइस मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको दे पाता हूँ, तो फॉलो करते रहो, स्मार्ट वर्क करो है ना, आपका काम कम हो जाएगा, स्मार्टली एक्ट करो। और यस 3, सभी बच्चों ने मेरे 3 लिखा है, -3 नहीं लिखना है बच्चों, -3 नहीं, 3 है आंसर, प्रॉपर इंटीजर है। एंड आई एम सो ग्लैड दैट उज्ज्वला, छोटू, हेलो छोटू, एंड आदित्य, एंड काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर सही लिखा है, सैम रॉक, तो बहुत सही रिस्पॉन्स, बहुत ही मज़ेदार रिस्पॉन्स। और कुछ बच्चों ने गलत भी लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, सीखने को मिल रहा है। देखो गलती से और अच्छा सीखता है इंसान, गलत हो गया तो और अच्छे से याद रहता है वो चीज़ दिमाग में, कोई चीज़ सही गया तो वो उतना याद नहीं रहता, गलती और दिमाग में अच्छे से लॉज होती है। तो ये आपको इस लेक्चर से सीख लेके जाना है। चलिए न्यूमेरिकल डेसिमल वैल्यू टाइप, देखो उस नोटिफिकेशन में, एनटीए के नोटिफिकेशन में ये चीज़ तो डिस्क्लोज हुई नहीं कि आपका न्यूमेरिकल जो है इंटीजर होगा या फिर 0 से 100 होगा, 0 से 1000 होगा, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोला है बच्चों। और एक बात बता दूँ, एक बार एडवांस में, अभी ये 2 साल पहले की बात है, आपको डेसिमल में भी, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आपको इंटीजर में आंसर है ना, मतलब डेसिमल न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर करना था। तो अगर ये फॉर्मेट आया था, और ये काफ़ी एक्चुअली रिग्रेटफुल डिसीजन था क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था उसने उस साल, पर कोई दिक्कत नहीं, अगर सपोज आता है वी हैव टू बी रेडी। तो आप अगर इस चैनल पे डायरेक्टली आओगे, क्विजेस करोगे, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, मैं क्विज करूँगा कल, ठीक है, कल भी किया था मैंने। तो अगर आप रेगुलरली आओगे उस क्विज में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी उस टाइप के फॉर्मेट की। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, और डेसिमल के 2 प्लेसेस बाद तक सभी ने, अनिकेत ने एंड मुश्ताक ने, वेरी गुड, एंड शिवम ने, है ना, समझ रहे हो वैष्णो, समझ रहे हो पायल बेटा, समझ रहे हो, आपको इंटीजर नहीं, आपको डेसिमल आफ्टर 2 प्ले है ना, 0 के बाद 2 प्लेसेस तक आपको लिखना है। तो काफ़ी बच्चों ने मैग्निफिकेशन तो निकाल लिया, 1/3 आया, आई थिंक सिंपल है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं है। m इक्वल टू 1/3 को आप 0.333, बट यहीं पे इतना ही आपको आंसर करना, ये आपका आंसर हो गया। तो वहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स दिया होगा क्वेश्चन के साइड में, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे जैसे चैट बॉक्स में, लाइव चैट में बच्चे लिख रहे हैं, वैसे आपको वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करना है क्या 0.33, किसी ने 0.33 लिख दिया,
ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या है, दो ही प्लेसेस तक लिखना है, तो आप उस तरह से 0.33 ही लिखेंगे बच्चों, दैट बिकम्स द राइट आंसर। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस एंड एंजॉयिंग इट एट द सेम टाइम। मजा आ रहा है कि नहीं, मजा तो आ रहा है सबको। ये एक और क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर कर दो। ओके चलिए, नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और इसको आप जल्दी से एक बार ट्राई कर लो। मेरे को वेलोसिटी ऑफ इमेज वो वाला कंसेप्ट भी बताना है, वो आसान है, वो सिंपल सा है। तो ये अगर आप लोग HCV चालू कर चुके हैं बच्चों, अगर ये चैप्टर चालू हो चुका है उसी दिन आपको HC वर्मा बुक जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला चैप्टर आपका फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, वो बुक के क्वेश्चन आपको चालू कर देने हैं, वेट नहीं करना है। कई बच्चे चैप्टर ओवर होगा तब हम चालू करेंगे, नहीं, आपको जब जिस दिन पहला ही लेक्चर हुआ उस दिन चालू कर देना है। कौन सी बुक्स, HC वर्मा है ना, NCERT बेसिक बुक्स हैं, ये आपको करनी करनी है। उसके बाद बेस्ट बुक्स फॉर IIT JEE में मैंने बता ही रखा आपको और कौन सी करनी है। तो अगर ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है HC वर्मा में तो आप जल्दी से आंसर लिख लेंगे, पर जिन्होंने नहीं किया है वो पॉज करके जल्दी से ट्राई करें, मैं तो आंसर बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, ऑब्जेक्ट की इमेज, इमेज आपकी कहाँ बननी चाहिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड करेंगी, ओवरलैप करेंगी, एक ही पॉइंट पे बनेंगी। ऐसा तो तभी हो सकता है जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में हो बच्चों, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में होगी, यानी कि ये ऑब्जेक्ट सेंटर है ना, सेंटर ऑफ द स्फीयर पे है ना, सर्कम सेंटर पे अगर होगी आपकी, ऑब्जेक्ट अगर सी पे होगी तभी ऐसा पॉसिबल है। उस केस में आपका डी कितना हो जाएगा, उस केस में ये डी बाई टू सॉरी कितना हो जाएगा, दिस डी बाई टू मस्ट बी इक्वल टू आर मस्ट बी इक्वल टू 2f, तो डी इज इक्वल टू 4f, ये एक आंसर होता है। बट ये एकमात्र आंसर है क्या, क्या ये एकमात्र आंसर है? इनफैक्ट 4F के दो ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो अपने को क्या करना है, एक और सिचुएशन पॉसिबल है बच्चों जिसमें ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज जा रही है वो पैरेलल हो जाए, लाइट रेज जा रही है वो पैरेलल हो जाए, और पैरेलल होने के बाद फिर से सिमेट्री है ना, तो फिर से वो फोकस पे ही इस तरह से कन्वर्ज हो जाए। तो ये एक और पॉसिबिलिटी को मानते हुए अपन बोलेंगे कि ये ब्लू वाली लाइन्स एक बार और इमेज अपनी ऑब्जेक्ट पे ही बना सकती हैं, अगर आपका डी बाई टू उस केस में एफ हो। सिंपल सी बात, डी बाई टू यानी कि ये गैप आपका फोकल लेंथ हो, तो आपका डी 2F भी हो सकता है और 4F भी हो सकता है। ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी आप करते रहें, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस से मज़ा आ रहा है प्लस 4 माइनस 4 करते रहिए और अपन आंसर कंपेयर करेंगे। मैं आता हूँ, ये दो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, मैं आता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज के कंसेप्ट पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सरल है और कई जगह इसको पढ़ाते ही नहीं है, समझ रहे हो, इस चीज़ को बोल देते हैं एडवांस लेवल का है, मत करो, पर बच्चों बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मेन में आए हुए क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ इमेज कर्व्ड मिरर के लिए आप कैसे निकालते हो, पहली बात तो यहाँ देखना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ पे, ये आपका मिरर फॉर्मूले को मैं सपोज डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, 1/v को डिफरेंशिएट किया तो -1/v² आई थिंक डिफरेंशिएशन सबको आता है, 12th के बच्चों को आता ही है, इंटू dv/dt, क्योंकि मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ध्यान देना सभी लोग। सिमिलरली 1/u को है ना, आपका 1/x यानी कि x^-1 का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x^-1 इज है ना -1 x^-2। उस चीज़ को यूज़ करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो -1/u² इंटू du/dt अगर आपको समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू वॉट, कॉमेंट में लिखो, इक्वल टू वॉट, फोकस का डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा, फोकल लेंथ कांस्टेंट होती है, डेरिवेटिव जीरो। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं dv/dt इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dv/dt इज इक्वल टू माइनस, इसको उधर फेंका, v²/u² इंटू du/dt। बच्चों यहाँ पे मुझे ये बताओ, कमेंट्स में मुझे ये बताओ कि dv/dt क्या होता है, कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताना dv/dt क्या होता है। और यस, यहाँ पे ओके रोहित, थैंक यू सो मच, कल मतलब बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने टीचर्स डे हमको विश किया, बहुत अच्छा लगा हमें। और विकास, उसको समझो, अपने एंड पे थोड़ा यार स्ट्रगल करो, है ना, आप हर एक क्वेश्चन को इनफैक्ट समझ नहीं पाओगे, यहाँ पे लेवल अलग चल रहा है, नए आए हैं स्पेशली, कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी बच्चे, स्वाभाविक है, घबराना मत, एक हफ्ते रेगुलर आओ, है ना, 2-3 लेक्चर रेगुलर आओ, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, नया टॉपिक है ये, आप जल्दी से जुड़ जाओ इस चैनल से, अगर अभी भी लेट हो गया है आपको जल्दी से लेक्चर 1 से देखना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि dv/dt क्या होगा, तो यस,
यही गड़बड़ कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन बच्चे नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको वी इज द पोजिशन ऑफ इमेज, तो हिमांशु, अनिकेत, कमल, इन सभी लोगों ने, गोविंद, इन सभी लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और नहीं तो ब्लाइंडली आंसर नहीं करना है अपने को। डीवी बाई डीटी क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ कोर्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इनटू, फिर डीयू बाई डीटी को आप क्या लिखोगे, समझ रहे हो, तो यू इज नॉट द इनिशियल वेलोसिटी, काइनेमेटिक्स से बाहर आ जाइए। डीयू बाई डीटी इज ऑफकोर्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये अगर आपको फॉर्मूला मिल रहा है तो ये बच्चों कॉनकेव मिरर के केस में अपन ने ये डिराइव किया, मिरर फॉर्मूले से, मतलब कॉनकेव मिरर के केस में ये डिराइव किया। क्या है फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मेरी बात ध्यान से सुना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस एम स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मूला बन रहा है ना, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर को मैंने एम स्क्वायर लिख दिया चलेगा। यहाँ जो माइनस साइन आ रहा है उससे क्या कन्वे हो रहा है, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है उससे क्या कन्वे हो रहा है, सोच के बताओ। वो जो माइनस साइन हियर कन्वेज कि ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी ऑपोजिट है, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इमेज ऐसे मूव कर रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ, अब ये मैं बोल रहा हूँ तो मज़ा नहीं आ रहा है आपको, इनफैक्ट मैं विजुअलाइज करवा के बताऊंगा बच्चों। यहाँ पे अगर एक केस मैं ले रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर का, अभी अपन ने प्लॉट किया और इसको कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है, कॉन्वेक्स मिरर अगर ऑब्जेक्ट के पास है ना, मिरर के पास में आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो आपका इमेज कैसे मूव करेगा, इमेज भी आपका मिरर के पास में आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस केस में ऐसे है और वेलोसिटी ऑफ इमेज आपका इस केस में ऐसे है, तो ये माइनस साइन समझ में आ रहा है, अभी आपको समझ में आ गया, मज़ा आ गया बच्चों विजुलाइज करके, मज़ा आ जाता है इस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से हम भी कंसेप्ट को बहुत ही आगे ले जा रहे हैं। तो इमेज की वेलोसिटी इज़ माइनस एम स्क्वायर टाइम्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, थोड़ी धीमी होगी क्योंकि ये आपका ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से छोटा होता है, तो ये आपकी धीमे मूव करेगी, ये तेज़ मूव कर रही है, ऐसी चीज़ों पे अपन अभी क्वेश्चन करेंगे। बट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन वाली बात, ये बात समझ में आ रही है। और एक और केस, इनफैक्ट प्लेन मिरर के केस में भी यही फॉर्मूला है बच्चों, अगर मिरर फॉर्मूले को भी अगर आप यूज़ कर सकते हो प्लेन मिरर के केस में, इमेज के फॉर्मूले को भी प्लेन मिरर के केस में कैसे यूज़ करेंगे, आपका प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन होता था प्लस वन, याद है हाइट इमेज की और ऑब्जेक्ट की सेम होती थी, अपराइट होती थी, तो प्लस वन अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट का और इमेज का वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्शन में उल्टा है, मैग्नीट्यूड उनका सेम है, तो उन दोनों को कंबाइन करके अपन ऐसे कुछ क्वेश्चन भी कर रहे थे दांसू वाले, तो अगर आपको मज़ा आ रहा है तो ये प्लेन मिरर के केस में भी यही होता है बच्चों। और प्लेन मिरर के केस में मैं बता दूं, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f भी लगा सकते हैं, प्लेन मिरर के केस में आपका f इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सोचो इस चीज़ को, है ना, अब इस चीज़ को सोचो यार, लास्ट क्लास में ये चीज़ मैंने बताई थी आपको, तो ये चीज़ को एक बार, क्योंकि मैंने डायरेक्टली लिख दिया तो मैं चाहता हूँ आपका लेवल बने बच्चों, आप अपने एंड पे थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे मज़ा आएगा, और आप खुद सोच के अगर ये चीज़ तो ये करते तो अपना v इक्वल टू माइनस यू आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजिशन और इमेज की पोजिशन सेम डिस्टेंस पे है बट दोनों अलग अलग तरफ है, तो जैसे वो फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर प्लेन मिरर, उसी तरह से दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर कर्व्ड मिरर एज वेल एज प्लेन मिरर। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो जल्दी से अपन प्रैक्टिस करते हैं एक MCQ टाइप की, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स, सही सही बेटा प्रियांश, इट्स गुड इनफ, ठीक है आपको ये मिल रहा है, लेट्स बी थैंकफुल। MCQ टाइप क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो, हाँ शिवम आप लोकेशन ऑफ इमेज तो निकाल ही रहे थे, इतने क्वेश्चंस किए हैं, अभी अपन वेलोसिटी ऑफ इमेज भी निकालेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मेन लेवल पे कंपटीशन में बहुत ही मतलब सिंपल लेवल पे आते हैं, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिस्टेंस सब दिया है तो क्या इमेज की वेलोसिटी होगी, आपको सिंपली वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस एम स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लगाना है भाई, और ये माइनस आपको डायरेक्शन कन्वे कर रहा है, ये बात का ध्यान रखें, ये वेक्टर फॉर्म में आपका फॉर्मूला हो रहा है, एक तो आपको u इक्वल टू
-15 लिखना है, F इज इक्वल टू -10 लिखना है, ये बात तो क्लियर है। माइनस क्यों हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट इधर है, इंसिडेंट रेज आज से। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो मैग्नीफिकेशन आप F डिवाइडेड बाय F माइनस यू से निकाल लो। बच्चों F डिवाइडेड बाय F माइनस यू ज़्यादा अच्छा रहेगा, V क्यों निकालना है आपको, तो F डिवाइडेड बाय, अगर आपने F माइनस यू कर दिया तो आपका मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, -2। मैग्नीफिकेशन अगर आपका -2 आ गया तो उस केस में ये आपका -2 स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वेलोसिटी के लिए आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को +2 लिखेंगे, मेरी बात समझ रहे हो, +2 लिखेंगे। और फाइनल वेलोसिटी अगर आपकी -8 आ रही है मीटर पर सेकेंड में आएगी, ये 2 क्या है आपका मीटर पर सेकेंड, m डायमेंशन लेस होता है, m लेंथ बाय लेंथ है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, डायमेंशन लेस होता है। तो अगर आपका -8 आ रहा है उसके क्या मायने हैं, -8 आ रहा है मतलब आपने ये पॉजिटिव लिया है, तो उस केस में आपका 8 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट में इज द राइट आंसर। d इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करो जल्दी से, बहुत ही सही d लिखा है काफ़ी बच्चों ने, समझ आ रहा है मतलब सभी कुछ, पायल ने, ज्योतिरादित्य ने, प्रियांश ने भी, ओके ठीक है जी, तो सभी बच्चों ने, आयुष ने, सभी बच्चों ने सी डी लिखा है यार, तो बहुत ही सही रिस्पांस। आप लोग इस क्वेश्चन को भी जल्दी से निपटा लो, ठीक है जी। अच्छा तो हाँ, एडिशनल एक्सरसाइज, एडिशनल क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ एनसीईआरटी करना अनिवार्य है, ठीक है रंजना। अपने को कोई भी मेन की तैयारी कर रहे हो तो वो एडिशनल क्वेश्चंस करने ही है। कई बार मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी करनी है, उसका क्या मतलब है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं आपको। तो ये नया क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, क्या नए क्वेश्चन का आंसर भी डी है, अभी तक डी दिख रहा है मेरे को, तो क्या आंसर आ रहा है बताओ जल्दी से। और अगर आपको समझ आ रहा है ये क्वेश्चन, आ रहा है समझ में, हाँ जी, तो हाँ अभी इसके आंसर आने लग गए बच्चों। इस केस में आपको ये बात रियलाइज करनी है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज -m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर लगाऊंगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर -m² टाइम्स वेलोसिटी, जैसे अपन ने प्लेन मिरर में किया था रिलेटिव वेलोसिटी लेके, वैसा ही कंसेप्ट है। अब प्लेन मिरर तो चला गया, कर्व्ड मिरर आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले लिया, आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट +1 है और वेलोसिटी ऑफ है ना -m² m निकाल लेते चलो पहले, आपका u इज -20, आपका f इज +20, ये कॉन्वेक्स मिरर है, f तो +20 है, u -20 है, तो आपका m क्या आ गया है ना f डिवाइडेड बाय f माइनस यू लगा रहे हैं अपन, तो आपको अगर ये 1/2 आया है प्लस साइन के साथ तो बहुत बढ़िया, m आपका अगर 1/2 आ गया है बच्चों तो बहुत ही बढ़िया, आप इसको 1/2 लिखिए। अभी 1/2 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, समझ रहे हो, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में -3 लिखूंगा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्योंकि ये क्या होता है आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये चीज़ मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर अपना +1 लिया मैंने, देख रहे हो, तो -3 एंड -1, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा है मैंने, तो इस बात का ख्याल रखें आप वेलोसिटी ऑफ मिरर को यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे +1, तो क्या आंसर आ रहा है बोलो, काफ़ी बच्चों का आ गया आंसर, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा था, तो -4 बाय ये चीज़, तो आपकी ये 1 हो गई थी, +1 हो गई थी, और ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 1+1, तो +2 मीटर पर सेकेंड, +2 मतलब क्या, आप राइट में, राइट आपने पॉजिटिव लिया ना, देखो काइनेमेटिक्स में वही कन्वेंशन है, यहाँ पे काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी वाला जो भी डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लिया, सो ए 2 मीटर पर सेकेंड, काफ़ी बच्चे लिख रहे थे मैंने देखा, इज़ द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है जी। एक छोटी सी कंसेप्ट इसी वेलोसिटी में क्या बनती है बच्चों, अगर आपका पार्टिकल ऑब्जेक्ट जो है वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, सुनिए मेरी बात, पार्टिकल परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है तो उस केस में वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि पैरेलल के केस में अपन ने प्लेन मिरर में भी देखा था, परपेंडिकुलर भी देखा था, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u मालूम है आपको, यस, हाइट ऑफ इमेज इज -v/u टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस दोनों साइड को उड़ा दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, धमाका कर दो, HI / DT क्या होता है,
डी ऑफ एच आई बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज. तो ये परपेंडिकुलर केस की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज एच आई बाई डी टी हो जाएगा और एच ओ बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. तो वहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस, है ना, या माइनस वी बाई यू को मैंने एम लिख दिया तो एम टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाता है. तो ये डायरेक्शन सेम रहता है और m टाइम्स हो जाता है, ये बात का ख्याल रखें. और ये इस पे बेस्ड भी मैं एक क्वेश्चन आपको दे के जा रहा हूँ. इन सभी क्वेश्चंस के आप आंसर है ना, डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा की तरह दे रहा हूँ, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ट्राई करो. और जो क्वेश्चन नहीं आते वो कमेंट्स में आप लिख सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बट ट्राई इट वेरी रियली वेल, लाइक अपना पूरा पूरा उसको जी जान दे देना बच्चों. और आपको मैं कल मिलूंगा फिर से, कल हम एक क्विज भी कर लेंगे और वहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपको कुछ नहीं आए हैं उनको डिस्कस कर लेंगे. तो एज आई सेड, 7 डे ट्रायल चालू हो चुका अनअकैडमी प्लस पे, आप आईटी जेई सेलेक्ट करके 7 डे ट्रायल कर सकते हैं. काफ़ी बच्चों ने ट्राई कर लिया है और काफ़ी ऑसम लगा है उनको एक्सपीरियंस. तो 12 मंथ एक्सपीरियंस ऑसम लगा है, तो 12 मंथ का प्लान ले लो भाई. आपका 12th क्लास वालों का वो जेई लाइव कोड के साथ पड़ेगा, जेई लाइव कोड के साथ वो कितने में पड़ जाएगा, 1800 पर मंथ. काफ़ी अच्छी डील है. और अगर 2 साल का लेते हो तो बहुत ही बढ़िया, 1500 पर मंथ वो पड़ जाएगा आपको. अगर आप हमारे मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी का अभी फेसबुक पे शेयर करिए, यू कैन टैग मी ऑल्सो देयर, एंड लाइक तो दबाने ही जाते जाते. जो नए बच्चे सब्सक्राइब कर लें, निरंतर रेगुलर आ जाएँ. और क्विज के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबा दें. तो नोट्स अभी जो मैंने लिखा है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर बाद PDF फॉर्म में मिल जाएगा. एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, एवरीवन take care and do plenty of practice. Okay, so bye everyone, take care.